हेलो किचन मम्मी दी, मैं आप सभी का स्वागत है। आज आप देख सकते कितने यम्मी और कितने यूनिक, कुछ अलग डिफरेंट ट्विस्ट के साथ। हम वैसे तो बहुत लोग बनाते हैं बॉल बॉल बॉल, बट हम इसे ट्विस्ट के साथ बनाएंगे, अपोलो को ट्विस्ट के साथ। तो चलिए आज बनाते हैं। पहले तो बस ये चार उबले हुए आलू लेंगे, जिसे मैं अच्छे से मैश कर दूँ। और मैं ये बॉल सिंपल ने इसमें कुछ क्रीमी चीज़ी टेंगी स्पाइसी फ्लेवर के साथ बनाऊंगी, और खाने में इतना लजा, इतनी यम्मी, इतनी टेम्पटिंग लगेगी ना कि आप भी बोलोगे वाह वाह मज़े ही आ गए। बच्चों बड़े सबको बहुत पसंद आया। तो बस इसमें थोड़ी सी ऑर्गेनो डाल दिया, चिली फ्लेक्स, नमक डाल दिया, साथ में ब्रेड क्रम्स डाल दिया 2 टेबल स्पून के अराउंड। और इसी के साथ साथ थोड़ी सी हरी धनिया डाल दी, मिर्च नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैं टमाटो चिली सॉस यूज़ कर रही हूँ इसलिए। और साथ में मैंने क्रीमी सॉस डाला, चीज़ की क्रीमी सॉस होती है ना वो डालें। और बस इसे अच्छे से, इतना मस्त लगता है ना क्रीमी फ्लेवर, फिर टमाटो की फ्लेवर टेंगी टेंगी, फिर थोड़ी स्पाइसी, ओए होए मज़े ही आ जाते। तो बस इन सबको अच्छे से मैं मिला दे रही हूँ, एंड देन हाथ को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ऑयल से, और इससे छोटी छोटी बॉल बनाएंगे। और यकीन मैंने बड़े मज़े की तरह से, सच में एक अलग चीज़ फ्लेवर भी आ रहा था उसमें, टेंगी टेंगी टमाटो फ्लेवर भी आ रहा था, स्पाइसी का भी फ्लेवर, एकदम मस्त लग रहा था ना। ओ वाह यम्मी, आप यकीन माने आप जरूर बनाएंगे, आप भी कहेंगे यकीन वाकई बहुत मज़े के। बस इसे बॉल बना के इसे चावल से ऐसे कोट कर लेना है, एक में और फटाफट आपको बॉल बना के और चावल से कोट कर। और आप प्लीज़ जरूर ये रेसिपी ट्राई करना, इतना यम लग रहा था ना कि पूछ मैं। बस इसमें चावल से अच्छे से कोट कर लिया सब, और इसे अब गर्म तेल हो जाएंगे तो ठंडे तेल में बिल्कुल मत बनाना, नहीं तो हमारे आलू फटने खुल जाएंगे, अच्छे से नहीं फ्राई हो पाएंगे। तो बस इसे गरम गरम आलू में मैं फ्राई कर रही हूँ, और इतना यम बन रहा था ना, और इतनी क्रिस्पी बनती है ना कि पूछो मत। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, जैसे नारियल नहीं होती ऊपर से कड़क अंदर से उतना ही सॉफ्ट, वैसे इसका भी दिल है, ऊपर से हार्ड हो जाते हैं अंदर से उतना ही सॉफ्ट, लेकिन नारियल के एकदम कड़क नहीं होते, आप दांत से तोड़ सकते हो। बस इसे अच्छे से मैं एकदम गोल्डन होने तक फ्राई कर ले रही हूँ। और हाँ, जब से मैं फ्राई कर रही हूँ और प्लेटिंग कर रही हूँ, तब तब मैं, आप अगर चैनल पे नए होंगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना, बेल आइकन दबा देना, आपको आने वाली सारी नोटिफिकेशन मेरी आती रहेगी। और हाँ, रेसिपी कैसी लगी ज़रूर आप मुझे कमेंट्स करके बताया करें, ताकि मुझे आपसे मोटिवेट मिले, और मैं आने वाली सारी रेसिपी आपके साथ शेयर भी करती हूँ। तो बस ये देख सकते हैं, इसे केचप के साथ सर्व करो और खाओ पियो मज़े करो। और यकीन मैंने बड़ी चीज़ी टेंगी स्पाइसी फ्लेवर था। तब तक खाओ पियो मज़े करो, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।